गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत शुक्रवार को सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्राकृतिक खेती पर आयोजित किसान सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कहा कि अगर हर परिवार को बीमारियों से बचाना है तो किसान को प्राकृतिक खेती की ओर लौटना ही होगा, जिसमें गाय का बहुत बड़ा अहम योगदान हो सकता है, जिस पर गाय के हाथ को खेती में इस्तेमाल करना ही होगा। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कुदरती खेती के लिए महत्व देते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों की आय को दोगुना करने का सपना साकार हो सकता है। बाजारवाद के कुचक्र से निकलने के लिए किसानों को प्राकृतिक खेती अपनानी ही होगी, जिसमें गाय का अहम योगदान होगा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत शुक्रवार को हरसाना कला के देवी मंदिर में नई आजादी समिति के तत्वाधान में कुदरती खेती विषय पर आयोजित किसान सम्मेलन में उपस्थित किसानों को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। स्वानुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्रधानाचार्य के रूप में 35 वर्ष तक कार्यरत रहे। इस दौरान वे 200 एकड़ भूमि में खेती कर रहे थे, किंतु उनका खर्च बढ़ता गया, कीटनाशकों का प्रयोग होता गया। इसके बाद उन्होंने जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाया। करीब 5 वर्षों तक जैविक खेती से उनकी लागत तो कम हुई, लेकिन उत्पादन भी घट गया। इस दौरान उनकी भेंट पद्मश्री सुभाष से हुई, जिन्होंने विशुद्ध प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया। आइए बात करते हैं आचार्य देवव्रत जी से। मेरा उत्पादन लागत हमारी न के बराबर, अब उस लागत को सुनो आप ध्यान से। एक गाय से हम 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं और जैविक खेती में 20 गाय से एक एकड़ की खेती होती है। समझ में आ गई बात आपका? यह है प्राकृतिक खेती, शुद्ध नेचुरल प्राकृतिक खेती। एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं। आप हो गई ये तो हो ही नहीं सकता। तुम तो कुकी भर भर गाड़ी भर भर गोबर की खाद खेत में डालते हो, इसकी कतई जरूरत नहीं है। मैं इसका प्रमाण हूं, मेरे खेत प्रमाण है, हिमाचल प्रदेश प्रमाण है, आंध्र प्रदेश के 5 लाख किसान इसी खेती को करते हैं जिसकी बात मैं करता हूं, और मैं इसका प्रमाण देता हूं पूरी साइंटिफिक। गाय होनी चाहिए देसी, अंग्रेजी गाय करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, ये ध्यान कर लो। भारतीय नस्ल की देसी गाय, ये हमने लैब में ले जाकर के गोबर को टेस्ट करवाया। हमने गाय का भी किया, भैंस का भी किया, बैल का भी किया, गधे का भी किया, घोड़े का भी किया, बकरी का भी किया, सब हमने किए। लेकिन ये करिश्मा केवल भारतीय नस्ल की देसी गाय में है और किसी में नहीं है। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं। कितने जी? 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु। और जो गाय खेती देसी गाय जो आपने सड़कों पर छोड़ रखी, ये जो धक्के खाती फिरती है ना, इनके 1 ग्राम गोबर में वो जीवाणु लगभग 500 करोड़ तक हो जाते हैं, इनमें पड़ जाते हैं। क्यों? दूध देने में जो उसकी एनर्जी खत्म होती है, दूध ना देने में वो जीवाणु के निर्माण पे काम करते हैं। तो बूढ़ी गाय, देसी गाय, एक गाय से 30 किले की खेती कैसे होगी? इसको सुनो ध्यान से, अभी आप उत्तर देंगे, नहीं तो यूं समझोगे कि मैं बड़ा तगड़ा कपोड़ा है। एक गाय से 30 एकड़ की खेती होती है, अब ध्यान से सुनना। आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक खेती से उनका उत्पादन बढ़ने के साथ भूमि की उर्वरता शक्ति भी बढ़ती चली गई। उन्होंने कहा कि करीब 50 से 60 वर्ष पूर्व कहीं भी खेती में यूरिया डीएपी का प्रयोग नहीं होता था। यूरिया डीएपी विदेशी देन है, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जाता है और उत्पादन घटता जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने खाद बीज दवाइयों के जाल में किसानों को जकड़ लिया है, जिससे पर्यावरण भी खराब हो रहा है। विभिन्न प्रकार की खतरनाक बीमारियां बढ़ रही हैं, जबकि पहले इन बीमारियों का नाम तक नहीं होता था। इसमें देसी गाय के गोबर से खाद तैयार किया जाता है। एक गाय से 30 एकड़ में खेती के लिए प्राकृतिक खाद तैयार हो सकती है, जिसे
तरल या ठोस खाद कहा जाता है। उन्होंने दोनों खादों को तैयार करने की विधि भी सिखाते हुए किसानों को प्रोत्साहित किया कि वे अपनी आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती की ओर रुख करें। राज्यपाल ने कहा कि जैविक खेती का भी खूब प्रचार किया जा रहा है, लेकिन जैविक खेती भी हमारी नहीं है। उन्होंने विस्तार पूर्वक जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के अंतर को समझाया। प्राकृतिक खेती वह है जिसने किसान को बाजार से कोई चीज भी न लेनी पड़े। यह जीरो बजट की खेती होती है जिसे केंद्र सरकार ने भी अपने बजट में शामिल किया है। दोस्तों, यह किसानों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी थी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।